अपना उसके सही जोड़ी और खालिस्तान के बारे में पढ़ा था और उसको अपन ने नोट भी किया था वो भी। हाँ, हम पढ़ेंगे संदर्भ प्रश्न और व्याख्या। तो पहले अपन हेडिंग डालेंगे तन से मन से और बुद्धि से, उसके बाद डे डे डेकर के आखिरी वाली लाइन लिखना पड़ता है बादल सा बिखरा दे, इसकी संदर्भ प्रश्न और व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम संदर्भ। संदर्भ में हमें क्या देखना पड़ता है, पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम और कवि का नाम रहता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक शुभम भारती के पाठ एक प्रार्थना से अवतरित की गई है, इसके लेखक डॉक्टर देव कुमार जलंधी है। प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें सचेत करते हैं कि हम अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम सभी को अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करके स्वयं का विकास करना चाहिए, फिर चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत उत्पन्न हो हमें उनका मुकाबला निडरता से पहाड़ की तरह सीना तान कर और सिर ऊंचा करके करना चाहिए, अर्थात हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब विशेष देख लेते हैं, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और उनसे मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया गया है प्रस्तुत पंक्तियों में। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंड वाले। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर का संदर्भ प्रश्न और व्याख्या। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम थके हुए के लिए, कहते हैं व्यस्त करते हैं आखिरी वाली पंक्ति, बैठे आंखों में आंसू भरने को। संदर्भ हमारा जैसा पूर्व में था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक शुभम भारती के पाठ एक प्रार्थना से अवतरित की गई है, इसके लेखक डॉक्टर जय कुमार जलज जी है। प्रश्न देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कमजोर और दीन दुखियों की रक्षा और सेवा के लिए जागृत होने को कहा है। देखते इसका व्याख्या, हमें जीवन में थके हारे जैसी निराशा न रखते हुए हमेशा हवा जैसे बिना रुके बहते रहना चाहिए। जो व्यक्ति चुपचाप कठिनाइयां सहते रहते हैं उन्हें हमें सही राह बतलाना चाहिए, हमें निस्वार्थ होकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, हमें अपने घावों की आंसुओं की चिंता ना करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए, हमें उनके आंसू पोंछना चाहिए, विशेष हमें बिना स्वार्थ दुखियों की मदद करना चाहिए। दूसरा, हमें साहसी बनना चाहिए। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन करें और पढ़िए। अब हम देखेंगे अति लघुतरी प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है? उत्तर होगा, कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। प्रश्न नंबर का, हम सीना तान कर किस प्रकार खड़े हो? हम पर्वत की तरह सीना तान कर खड़े हो। प्रश्न नंबर दो, कवि नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है? कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है जिससे वह ऐसा कार्य कर सके जिसको लोग सपना मानते हो। प्रश्न नंबर दो, इस कविता में माँ का संबोधन किसके लिए है? इस कविता में माँ का संबोधन भारत माता के लिए है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लघुतरी प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे।